चेहरे पर हमेशा निखार बना रहे इसके लिए कुछ घरेलू और असरदार उपाय। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। हर कोई व्यक्ति चाहता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा हमेशा चमकता हुआ रहे, झुर्रियों से मुक्त हो, कीट मुहासों से मुक्त हो, इसके अलावा उसमें किसी तरह के दाग धब्बे ना हो, क्योंकि ये उसके चेहरे के सौंदर्य को बिगाड़ते हैं। लेकिन आज ऐसा संभव नहीं है बहुत से लोगों के लिए, तो उसके लिए अक्सर ब्यूटी पार्लर जाते हैं, महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेते हैं, और साथ ही ये जो ब्यूटी पार्लर में जाके आपको एक बार निखार तो मिल जाता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है, साथ ही बहुत महंगा होता है और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन जब अगर आप घरेलू उपाय को अपनाएंगे तो इससे आपके चेहरे में हमेशा निखार बना रहेगा, चेहरा चमकता रहेगा और उसके साथ उसमें कील मुहासे झुर्रियां दाग धब्बों से मुक्त रहेगा। और कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो तत्काल आपके चेहरे पर ग्लो बढ़ा देते हैं, घर के ही उपाय। उसके लिए कोई महंगी क्रीम की ज़रूरत नहीं है, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमको बहुत जल्दी में कोई घर में फंक्शन हुआ या हम शादी में कहीं जाना है और पार्लर में बहुत भीड़ है, तो आप क्या करेंगे, नहीं जाएंगे या फिर अपने फेस को ऐसा ही रखेंगे? नहीं, आप पार्लर से अधिक अपने घर में ग्लो ला सकते हैं अगर आपको कहीं तैयार होकर जाना है तो। आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपटन या ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपके चेहरे में हमेशा निखार बना रहेगा। एक दिन के लिए निखार की क्यों ज़रूरत है, हमें तो हमेशा ही अपना चेहरा निखार वाला ही चाहिए, हर कोई व्यक्ति चाहता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे घरेलू असरदार उपाय बताने जा रही हूँ कि जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। नंबर एक, आप बहुत अधिक मात्रा में पानी पिए, यानी 3 से 3.5 लीटर। पानी आपकी त्वचा को हाइड्रेट रखेगा जिससे झुर्रियाँ जल्दी नहीं पड़ेंगी, और ये लिक्विड डाइट के रूप में यानी पानी के रूप में आप छाछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप सब्जियों का सूप, जूस, फलों का जूस किसी भी रूप में लें जरूर। ये आपके चेहरे की स्किन को, पूरे शरीर की त्वचा को हाइड्रेट रखेंगे तो वह ग्लो करती रहेंगी। दूसरे नंबर पे मैं आपसे बोलूँगी, बहुत तेज गर्म पानी से ना नहाएं, बस पानी का टेम्परेचर इतना हो कि वो आपके स्किन पर लग करके गर्म भी ना लगे, ठंडा भी ना लगे। इससे क्योंकि गर्म पानी के नहाने से शरीर पे झुर्रियाँ जल्दी आती है स्किन में, चाहे वो चेहरे की हो चाहे शरीर की हो। आपने देखा कुछ लोगों के चेहरे में बहुत जल्दी झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसका कारण ही यही है कि वो बहुत अधिक तेज गर्म पानी से नहाते हैं। तीसरे नंबर पर मैं बोलूँगी, घरेलू उपटन या स्क्रब का प्रयोग करें। घरेलू उपटन या स्क्रब त्वचा को कोमलता से पोषण देते हैं, त्वचा को बेहतर तरीके से सांस लेने में मदद करते हैं, क्योंकि त्वचा तो आपकी सांस लेती है, सबको मालूम है, और ये सांस तब लेगी जब इसके पोर खुले होंगे। तो उसके लिए आपको घरेलू उपटन का उपयोग करें। मैं आपको बताऊंगी अभी और क्या क्या उसमें कर सकते हैं। ओटमील का बना सकते हैं आप उपटन, और मसूर की दाल का उपटन तो सबको मालूम है बहुत अच्छा है। मसूर की दाल का पाउडर घर में मिक्सी में पीसें, बना के रख लें, उसके जब आपको लगाना है तो उसमें थोड़ा सा दही डालें या दूध डालें या गुलाब जल डालें, जो भी आपको डालना डालें, हल्दी थोड़ी डालें, नींबू का रस निचोड़ें और साथ ही उसमें थोड़ा सा तिल का तेल या बादाम का तेल मिलाएं। अब उसको मिला करके अपने चेहरे के ऊपर पूरे शरीर में, देखिए मैं तो हफ्ते में एक दिन उपटन करके ही नहाती हूँ, मैंने साबुन का उपयोग वर्षों पहले छोड़ दिया है और आज मैं 70 साल की होने को आ गई हूँ। चेहरे पर मेरे बहुत झुर्रियाँ नहीं है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत दिखती हैं, चेहरे में शाइनिंग है, क्योंकि मैं किसी भी तरह की कॉस्मेटिक या क्रीम का प्रयोग किया ही नहीं है मैंने कभी भी। मैं केवल बादाम के तेल का एक बार उपयोग करती हूँ, उतना मेरे लिए पर्याप्त है। तो अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी कोई क्रीम या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कभी आज तक कोई फेसियल नहीं कराया है, मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती है। तो ऐसे ही मैं बोलूँ कि आप भी घरेलू उपटन या स्क्रब का प्रयोग करें,
जिसमें आप एलोवेरा जेल का भी उपयोग कर सकती हैं। मैं भी बताऊंगी कि आप कैसे करेंगे। फिर आपको जरूर कुछ न कुछ व्यायाम करना चाहिए जिससे आपके शरीर में पसीना आए। पसीना आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है जिससे स्किन अपने आप ग्लो करने लग जाती है। जब योग की क्लास में लड़कियां मेरी बताती हैं कि हमारे स्किन पर हमेशा ग्लो रहता है क्योंकि हमें पसीना है। अब जब मैं योगा कराती हूँ तो उनको पसीना आने लगता है। पसीना आएगा चेहरे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। तो उसके लिए दौड़ना, जॉगिंग, तीव्र गति से सूर्य नमस्कार, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप करिए। आप खुद अपने अंदर अंतर महसूस करेंगी, जहाँ आप एनर्जेटिक फील करेंगी वहाँ आपके चेहरे पर शाइनिंग भी आएगी। तीसरा, सीजनल ताजे फलों का, सब्जियों का, सलाद का प्रयोग करें क्योंकि इनमें बहुत अधिक मात्रा में आपके विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, स्किन के लिए ग्लो करने के लिए, तो ये सब तो इन्हीं में मिलेगा और बिना इसके कोई शरीर में कैसे ग्लो आएगा आप बताइए। तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, विटामिन सी वाले यानी खट्टे फल, विटामिन ए, विटामिन ए में आपका आम है, पपीता है, ऐसे फल हैं, और सब्जियां भी हैं, मिनरल्स भी हैं, हरी सब्जियां बहुत अधिक मिनरल्स और विटामिन से उनके अंदर है। आप इन सब चीज़ों का प्रयोग जरूर अपने दैनिक भोजन में करें। और आपका जो, अगर आप 40 प्लस है तो आप मान के चलिए कि 50% से 60% आपके आहार में ताजे फल, सलाद और हरी सब्जियों का प्रयोग हो। बाकी 40% में आप ले सकते हैं कुछ भी, और दही भी जरूर आपके खाने में हो क्योंकि ये स्किन को पोषण देता है। इसके साथ ही मैं आपसे बोलूँगी कि रात में सोने से पहले रोज़ एक बार चेहरे को साफ करें, साफ करके बादाम के तेल की मालिश करें, हल्की मसाज जरूर दें। और साफ करने के लिए आप कच्चे दूध का प्रयोग कर सकती हैं क्योंकि कच्चे दूध में विटामिन ए, सी, डी, ई सब है, तो वो आपकी त्वचा को चमक देगा, सफाई भी देगा। तो आप उसके प्रयोग से आप चेहरे को साफ करें, नहीं तो सादे पानी, गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें, उसके बाद बादाम के तेल की मालिश करें। और अगर उसके बहुत पहले दिन में जब भी आपके पास समय हो तो अगर एलोवेरा है तो फ्रेश एलोवेरा के लीव्स को बीच में से काटें, और काट के मतलब दोनों साइड उसका जब जेल दिखाई पड़ रहा है तो उससे अपने चेहरे की एक ही तरफ से ऐसे मसाज करते रहें, सब तरफ, दोनों तरफ पूरे चेहरे पर मसाज करें 5 मिनट के लिए। और जैसे ही आप मसाज करके हटके सादे पानी से धोएंगे आपको अपने चेहरे में तत्काल अंतर दिखेगा, तुरंत ही अंतर आप महसूस कर पाएंगे। ऐसा ही मसूर की दाल का उबटन का भी है। आप जैसे ही उबटन के बाद 10 मिनट छोड़ देंगे और उसके बाद रब करके हटाएंगे आपको अपने फेस पर तुरंत अंतर महसूस होगा। और तीसरा में एक और बहुत अच्छी चीज़ है, केला सब खाते हैं, केले का छिलका भी सबके घर में हम वेस्ट करते हैं, वेस्ट मत करिए। आप केले के छिलके को ही लेकर के अपने पूरे चेहरे में एक दिशा में घुमाते रहें तो आपके केले के छिलके से ही तत्काल आपके फेस में ग्लो आने लगेगा। आप तुरंत अंतर कोई भी महसूस कर लेगा कि हाँ, आपने शायद फेसियल कराया है या पार्लर जाके आई हैं, इतना अधिक ग्लो करने लगता है। इसमें एलोवेरा, केले का छिलका, पपीते का छिलका, पपीते का गूदा, ये सारी चीज़ें आपके फेस को तुरंत शाइनिंग प्रदान करती हैं। तो क्यों नहीं हम इन चीज़ों के प्रयोग से, और ओटमील भी ऐसा ही है, आप अगर इनका उपयोग करेंगी तो आप खुद पाएंगी न तो देखिए, पानी पीने से शरीर की गंदगी बाहर होगी, तो कब्ज़ नहीं होगी तो उसका पूरे शरीर को फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो फेस ही ग्लो करेगा, इसीलिए मैंने बोला भरपूर पानी पिए, फल खाएं, फल भी कब्ज़ को दूर करते हैं और पोषण भी देते हैं। साथ ही साथ मैंने बोला आप इन उपटन का प्रयोग करें। ये मसाज से क्या होगा, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो आप खुद देखेंगी कि आपके फेस में एक अलग तरह की शाइनिंग आ रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको कुछ ऐसे यौगिक अभ्यास बताऊंगी, कुछ क्रियाएं बताऊंगी, जो भी आप उनसे भी, उनके प्रयोग से भी आप अपने फेस पर ग्लो ला सकते हैं और आता है। तो मेरा आज का वीडियो कैसा लगा
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर तो जरूर करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको ये चीज़ें मालूम हो, सभी को नहीं मालूम है, तो आप शेयर जरूर करिए, उसमें कंजूसी मत करिए। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे खुशी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।